हेलो, वैभव जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, कौन? वैभव जी नमस्कार, मैं एयरलाइन से बात कर रहा था, मंगू शर्मा। एयरलाइन से? हाँ जी सर। तो 2 महीने बाद याद आई, तुम्हें इतनी मेल लिखी तुम लोगों ने, तो हमारे सामान की मार दी। तो पता है, तुम लोग ऑटो चलाने के लायक नहीं हो। सर गाली का प्रयोग ना गाली का करें प्रयोग आप। नहीं कर रहे तो के सामान क्यों नहीं पहुंचाया फिर तुम सर लोगों ने? आप, पता है मैं उसने आपकी कितना हेल्प सामान मेरा करने ले के लिए लिया। फोन कर रहा हूँ, आप उठाते ही मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। सर आप मुझे बस ये अरे बताएं तो क्या तुम क्या तो मिस। 2 महीने बाद तुम एक मेल लिख लिख के मेरी फट गई है। सर मेरे पास मैं तो जस्ट आपका तुम्हारे लिए अभी टाइम मेल नहीं आया है, निकालते। जस्ट अभी मेल आया है और मैं आपकी हेल्प ही करना चाह रहा हूँ। आप मुझे प्लीज़ बताएं क्या क्या मिसिंग था, प्लीज़ बताएं। मेरी 4 जीन्स गायब है, चार जीन्स गायब हैं, सेल्फी स्टिक गायब है, सेल्फ एक स्टिक गायब है, ट्रिमर गायब है, टीमर गायब कुछ है, टी शर्ट गायब है। टी शर्ट गायब। मंगू अच्छा भैया, हाँ भाई, ये ग्रीन बैग में जूते निकले हैं, क्या साइज है ये 10 नंबर है, तेरा क्या आता है, मेरे को 9 आता है, रख ले फिर, आपको आता है 10? मुझे तुम रख लोग ले। के सामान गायब कर दो, तो मेरी ये जीन्स भी तो तुम आपका लोग जो खाते है, हो क्या? ये क्या तारीख थी इसकी, 27 मार्च है ना, हाँ, और आज क्या सत्ताईस है भैया? आज तो कुछ ज्यादा दिन हो गए, लेकिन कोई बात नहीं सर, हम जल्द से जल्द इस सामान को पहुंचाएंगे आपके पास। भैया ये ब्लैक वाले में अबे आईफोन का चार्जर निकला है। आईफोन निकले तब अरे बताना ना, मान गए, चार्जर तुम कौन लोग लेता है यार, चार्जर ही रख दो वापस। वापस रख दे। अबे तो सर मैं ये बताना चाह रहा था, आपका ये टोटल अमाउंट कितना बन रहा है आपका, जितना सामान था। मेरा अप्रोक्सीमेट 20-21 हज़ार का है सामान। 20-21 का। मंगू अच्छा। भैया ये ग्रे बैग में वो निकले हैं, डब्बा है अरे 10 पीस का। भाई अरे जिसका है उसको मंगू यूज कर, बोल हम रहे दे, थे तू वो ही, ने देखो, भी तुम यूज लोग कर। लूट नहीं, मार जो मचा उसको रखी है क्या? नहीं नहीं जो उसको ही रख करना। दे, हाँ हाँ रख दे मैं पागल, रख देता हूँ रख दे भैया। रख दे। तेरा नाम मंगू है तो साले सामान मांग लिया करना लोगों से, बीच की तरह तो सामान गायब क्यों कर रहा बैग से? सर मैं ये कह रहा था, और अगर मेरी आप ड्यूटी ना है तो तुम साढ़े मेरी तीन ड्यूटी बजे तुम दोपहर जो जानते है हो। टर्मिनल T3 पे एक बार सुन मंगू ले। भैया हाँ भाई, हाँ ये डब्बा निकला है एक अंडरवियर का, तेरा साइज है, नहीं ये तो 90 है, मुझे 95 आता है, तो एडजस्ट कर लियो, एडजस्ट कर लेंगे, रख पर लेते बड़ा हैं। बड़ा आएगा तेरा, है ना। मैं ये कह रहा था T3 पे हाँ आना तो है ये आपको, तेरी माँ आप की बिकिनी है ना, लोग की बिकिनी है, पहन के निकल जा बाहर। T3 पे आ जाएं, 10-11 हज़ार रुपये में सेटलमेंट करा देंगे हम। भैया हाँ ये वाला बैग में देखो क्या दस निकला हजार है। रुपये क्या मतलब निकला? हो क्या 10 हज़ार रुपये में मुझे हो गया क्या T3 पे? हैं, खुद मेरा सामान खा गए, 2 महीने बाद कॉल कर रहे हो, ऊपर से कितना तुमसे बात गंदा ही नहीं कर बोल रहा रहे। हूँ अपने ही सामान के लिए। वैभव जी दिल्ली के दो कड़क लौंडे नलवा और रोहन बात कर रहे हैं, आपका बैंड बजवा रहे थे, आपके दोस्त ने ही बजवाया है। वो महेश ने नंबर दिया, अब उसकी चैन खोलना जाके तुम। अरे यार मैं बैंड वैसे ही बजी पड़ी है भाई, तुम्हारा कुछ जुगाड़ हो तो सामान दिलवा। हाँ सामान दिलवा देंगे। नहीं हम तो सामान निकालते हैं बस, दिलवाते हैं। देखियो अब क्या निकला। बजाते रहो।